एसर नाइट्रो वी का फुल रिव्यू मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आपको एसर नाइट्रो वी लेना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, अगर नहीं लेना है तब भी देखते रहो। सबसे पहले मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो भाई i5 का 13420H आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, आपको RTX 4050 विराट कोहली लेवल वाला आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। 75W का ग्राफिक कार्ड है, पर 95W होता तो और मजा आता। 15.6 इंच की आपको 1080p की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 144Hz की डिस्प्ले है, ठीक है। और भाई साथ में 250Hz की साथ में ब्राइटनेस देखने को मिलती है, ठीक है। 68% sRGB वाली डिस्प्ले है, 49% NTSC वाली। विराट कोहली की फिजिक जैसे बहुत ही बढ़िया है, वैसी भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। स्लीक एक लैपटॉप है, हल्का लैपटॉप है, ऊपर से इसमें गेमिंग लुक देने की कोशिश करी है। जैसे आप अपनी क्रश को देख के खुश हो जाते हो, वैसी भाई आप इस लैपटॉप को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि ऊपर से बढ़िया गेमिंग लुक देखने को मिलती है। लैपटॉप को ओपन करेंगे तो अंदर भाई कीबोर्ड बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, ट्रैक पैड देखने को मिलता है, पर की साइजेस थोड़े स्मॉल है, तो आपके बेजल्स पतले देखने को मिलते हैं। एक हल्का भाई 2.1 kg का आपको लैपटॉप देखने को मिलता है, थोड़ा डिजाइन में थोड़ा ज्यादा कर्व ऐसे कर देते ना, ठीक है, तो भाई और बढ़िया होता, कि थोड़ा सा लैपटॉप चुपता है अगर आप अपने लैप पे रखोगे, कहीं पे रखोगे। साइड में आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट देखने को मिलेगा जो कि टाइप सी वाला पोर्ट है, USB A3.2 Gen 1 पोर्ट देखने को मिलेंगे जो कि दो देखने को मिलते हैं, ठीक है। पावर ऑफ चार्जिंग भी है भाई इसमें, HDMI 2.1 पोर्ट देखने को मिलेगा, ईथरनेट पोर्ट देखने को मिलेगा भाई। राइट साइड में आपको कैंसिंगटन लॉक देखने को मिलेगा, USB A3.2 Gen 1 पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक आपको देखने को मिलेगा। अब हम कीबोर्ड और ट्रैक पैड की बात करें तो भाई कीबोर्ड बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, की फीडबैक है, मतलब क्लिक क्लिक करके आप आराम से वजह कर सकते हो भाई इसमें। थोड़ी सी की साइज ज्यादा बड़ी कर देते और अच्छा होता, पर कीबोर्ड में भाई जगह नहीं है क्योंकि छोटा फॉर्म फैक्टर देने की कोशिश करी है, तो उसकी वजह से ट्रैक पैड मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। बड़ा ट्रैक पैड है जैसे सपोर्ट करता है ट्रैक पैड, क्लिकी फीडबैक है, बहुत ही बढ़िया मेरे को ट्रैक पैड लगा। बस थोड़ा सा फ्लेक्स है कीबोर्ड में, वो और अच्छा होता तो और मजा आता। अब हम मिनी बाइट डिस्प्ले की बात करेंगे, 144Hz की डिस्प्ले, 68% sRGB वाली डिस्प्ले, 100% sRGB वाली डिस्प्ले, 300Hz की। भाई इसमें मैंडेटरी कर देनी चाहिए, जैसे अगर आप 400-500 रुपए दे रहे हो एक पिज्जा के, तो उसमें डबल चीज भाई बोल देना चाहिए कि डबल चीज डलना ही चाहिए। वैसी भाई 300Hz की डिस्प्ले 100% देनी चाहिए इनको, 70,000 के ऊपर ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। 250Hz की डिस्प्ले है, वो भाई थोड़ी सी डल डिस्प्ले है, ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा हो सकती थी, लेवल थोड़े ज्यादा हो सकते थे तो और अच्छी होती डिस्प्ले, पर अभी एक एवरेज डिस्प्ले मेरे को लगती है ये, पर वैसे गेमिंग में और सब में थोड़ी स्मूथ डिस्प्ले है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसकी भाई मेन आते हैं हम परफॉर्मेंस की तरफ, जिसके लिए भाई सारे लोग वेट करेंगे, गेमिंग में कैसे, वीडियो एडिटिंग में कैसे है। जैसे MS धोनी आपको पता है बेस्ट कैप्टन है, ठीक है, उसकी गेम बहुत बड़ी है, तो इसकी गेमिंग कैसी है भाई अभी चेक करते हैं। भाई सबसे पहले आप बेंचमार्क्स देख लो, ठीक है, बेंचमार्क्स भाई इसके थोड़े से लो आए हैं मेरे हिसाब से, लेनोवो लॉक से भी लो आए थे। सोचो लेनोवो लॉक में तो RTX 3050 है, इसमें RTX 4050 है तब भी, पर चलो बेंचमार्क रीड एंड राइट भी बढ़िया आई मेरे हिसाब से, SSD बढ़िया वर्क कर रही है, ठीक है। GTA 5 मैंने खेली भाई, GTA 5 में 120fps के अराउंड मेरे को देखने को मिल रहे थे, तो भाई GTA 5 में बढ़िया चल रही थी, अल्ट्रा सेटिंग मैंने सब खेली थी, पर टेम्परेचर भाई 90-95 के अराउंड जा रहे थे, तो उसका थोड़ा ध्यान दिया जा सकता था, पर GTA 5 में मेनली ज्यादा ही टेम्परेचर जाते हैं। सेकंड गेम मैंने खेली Far Cry 6, भाई उसमें 90fps के अराउंड देखने को मिल रहे थे और 85-90 के अराउंड टेम्परेचर थे। Far Cry 6 मेरे को बहुत ही बढ़िया गेम लगती है, अगर आपको अच्छी गेम लगती है Far Cry 6, ठीक है, तो मेरे को कमेंट करके बता दो और सब्सक्राइब कर लेना अभी के भी चैनल को। थर्ड मैंने गेम खेली साइबरपंक, 78 के अराउंड FPS देखने को मिल रहे थे, ठीक है, बिना DLSS के, और DLSS 3 फ्रेम जनरेशन जो भाई इसमें कमाल करके दे दिए, क्योंकि RTX 4050 है, तो उसमें भाई 120 के अराउंड FPS देखने को मिल रहे थे, टेंपरेचर्स भी भाई मेंटेन थे 75 के अराउंड, साइबरपंक बहुत ही बढ़िया वर्क कर रही थी। अगर आपकी फेवरेट गेम साइबरपंक है तो मेरे को कमेंट करके बता दो भाई। DLSS रे ट्रेसिंग के साथ 55 के अराउंड FPS देखने को मिल रहे थे। हॉगवर्ट्स लेगेसी की अगर मैं बात करूं, जो भाई हमारे वेनॉम भैया खेलते हैं, उसमें बिना DLSS के 45 FPS देखने को मिल रहे थे, और DLSS 3 के साथ 75 FPS देखने को मिल रहे थे। भाई ये बाहर चिड़िया ऐसे चैचा कर रही है भाई, वीडियो नहीं बनाने दे रही, ठीक है। तो DLSS के साथ अच्छी परफॉर्मेंस है भाई इसकी, DLSS ऑन कर लेना और भाई मजे कर लेना, गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी लगी। मेनली बात मैं हीटिंग की बात करूं, कि भाई सारे लोग कह रहे थे डिस्प्ले पे भाई हीटिंग हीट लगेगी तो दिक्कत आएगी, मेरे हिसाब से भाई दिक्कत नहीं आएगी, ASUS के लैपटॉप करते हुए आए हैं भाई, करते हुए आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैंने इस पर शॉर्ट भी बनाई थी, आप शॉर्ट भी देख सकते हो अगर आपको देखनी हो तो। थर्मल्स मेनली जो है ना वो एवरेज थर्मल देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ कुछ गेम में 95 भी क्रॉस कर रहे थे टेम्परेचर, कभी 90 टेम्परेचर क्रॉस कर रहे थे। भाई आगे फ्यूचर में जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं बता रहा हूं, डिस्प्ले पे हीट पड़ेगी तो उससे इशू नहीं आता, बस ये होती है कि एक साइड की डिस्प्ले गर्म हो जाती है, एक साइड की ठंडी ठंडी रहती है। तो मतलब एक साइड की डिस्प्ले विराट कोहली है एग्रेसिव, एक साइड की डिस्प्ले MS धोनी है बिल्कुल कूल डिस्प्ले, तो भाई और कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं आपको बता सकता हूं। भाई दो हीट फैंस है वो एक ही साइड आपको देखने को मिलते हैं, दो हीट वेंट्स हैं। वीडियो एडिटिंग की बात करूं, 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं, वीडियो एडिटिंग में भाई आप आराम से 4K एडिटिंग आराम से कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत हाई लेवल की एडिटिंग नहीं, पर एक मिड लेवल की 4K एडिटिंग आप कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर हो गए ना, वो आप हाई लेवल के नहीं चला सकते, मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है, वो आपको एक मिड लेवल के जो सॉफ्टवेयर
मिड लेवल की आपकी रेंडरिंग होगी, ये सब हो गया, वो आप आराम से कर सकते हो इस लैपटॉप में, क्योंकि भाई 70-75 के अराउंड आप इतना ही एक्सपेक्ट करोगे, ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, पीछे जाके गेम में खेलनी है आपको, ठीक है, उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, हल्का लैपटॉप, तो भाई एसर नाइट्रो भी आपके लिए, वर्ड का काम हो गया आपको, पावर पॉइंट हो गया, फोटोशॉप, पूछने वाली बात है क्या भाई, जैसे वेनॉम भैया अपने कहते हैं पूछने वाली बात है क्या, वैसी भाई वो बात है, पूछने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, इस पे सब कुछ आराम से मक्खन स्मूथ आपका चलेगा। स्पीकर्स की बात करूं तो मेरे को इसके स्पीकर्स भाई बहुत अच्छे लगे, लाउड स्पीकर्स थे, बेस उतना ज्यादा नहीं था, तो धूम मचाले वाला सीन आपका थोड़ा नहीं हो पाएगा, पर भाई लाउडनेस बहुत अच्छी थी, क्योंकि लैपटॉप के स्पीकर्स मेनली अच्छे नहीं होते, उसमें लैपटॉप के स्पीकर्स अच्छे डालना, बढ़िया काम करा है भाई एसर ने। साउंड के लिए एक सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलता है, उसमें आप थोड़ा ट्वीक वीक कर सकते हो, सेटिंग थोड़ी चेंज कर सकते हो, आपका अच्छा चलेगा भाई। बैटरी की बात करूं, मैंने भाई थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग इसमें करी थी, मैंने भाई इसमें यूट्यूब चलाया था, नॉर्मल अपना वर्ड का काम करा, मेनली यूट्यूब चलाया, गेम बिल्कुल नहीं खेली, तो भाई मेरे को एक्सपीरियंस देखने को मिला 4 घंटे की बैटरी लाइफ, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा लो इको मोड पे यूज करोगे, सिर्फ भाई यूट्यूब देखोगे, तो आपको 4.5-5 घंटे भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, पर आप गेमिंग करोगे तो भाई 1.5 घंटे के से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, मैं आपको क्लियर बता सकता हूं। 135 वॉट का भाई इसमें अडैप्टर देखने को मिलता है, अगर आपको भाई मेरी बहुत ही बड़ी अनबॉक्सिंग देखनी है तो ऊपर मैं कार्ड दे दूंगा यार, देख लेना भाई अनबॉक्सिंग इस वीडियो के बाद, अभी मत चले जाता है। तो भाई एसर नाइट्रो वी में फैंस में एक प्रॉब्लम है कि इसके हीट जो फैंस है वो बहुत तेज चलते हैं भाई, बहुत तेज, ठीक है, ऐसे लगता है कोई विंड मिल खड़ा कर दिया मेरे सामने, और इतनी तेज इसके फैंस है ना, वो लॉक से कंपेयर करूं। नाइट्रो सेंस इसमें सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है जिसमें आप अलग अलग ट्वीक कर सकते हो सेटिंग्स, ठीक है, और आप थोड़े से फैन की नॉइज कम कर सकते हो थोड़ा डिफरेंट सेटिंग छेड़ के, नाइट्रो सेंस सॉफ्टवेयर यूज करना बिल्कुल भी ना भूलना। मक भाई इसमें मक स्विच देखने को नहीं मिलता है जो लेनोवो लॉक में देखने को मिलता है, तो ये भी आप चीज ध्यान रखना। भाई जैसे पुनीत सुपर कहता है मैं तो टूट गया भाई बिल्कुल, वैसे भाई इसका प्राइस देख के मैं टूट गया, क्योंकि भाई 80,000 रुपए एसर नाइट्रो वी के लिए आपने बिल्कुल भी नहीं देने। अब हम आते हैं कि आपको भाई ये लैपटॉप लेना चाहिए नहीं, 3000 के आसपास आपको एचपी विक्टर्स देखने को मिल रहा है, एसर नाइट्रो वी आपको तभी लेना है जब वो 70-72 के अराउंड मिले, क्यों मैं बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एचपी विक्टर्स में आपको पहले बेटर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें 83,000 में 100% sRGB वाली डिस्प्ले है, तो भाई ये तो वही बात होगी कि मजा आ गया भाई, वाली बात होगी, ये तो बेटर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, एचपी विक्टर्स इस रेंज का किंग है, अगर आपको 75,000 के अराउंड बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, ठीक है, बेटर डिस्प्ले चाहिए और आपको 4 हीटवेंट्स चाहिए, तो भाई आप लेनोवो लॉक ले सकते हो मेरे हिसाब से, नहीं तो भाई अगर आपको बढ़िया गेमिंग चाहिए, एक हल्का लैपटॉप चाहिए, बढ़िया लुक्स भी चाहिए, ठीक है, तो आप भाई एसर नाइट्रो वी ले लेना 70-72,000 के अराउंड, बढ़िया आपकी वीडियो एडिटिंग होगी, बढ़िया आपकी गेमिंग होगी, आप भाई आराम से कंधे वंधे पे कैरी करके पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, आपके भाई कंधे दर्द नहीं होंगे, क्योंकि एक हल्का लैपटॉप आपको देखने को मिलता है, तो यही 3 लैपटॉप 70-80,000 के अराउंड जो आप कंसीडर कर सकते हो। पर एसर नाइट्रो भी मेरे को बहुत ही बढ़िया लैपटॉप लगा, 70-72,000, मेरी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स की तरह मेरे को भाई एसर नाइट्रो भी बहुत बढ़िया लगा, कि थोड़ी डिस्प्ले इंप्रूव कर देते, थोड़े भाई फैंस की नॉइज थोड़ी कम कर देते तो और अच्छा लैपटॉप होता, एक बढ़िया लैपटॉप देखने को मिलता है। 74,000 तक आप एसर नाइट्रो भी ले लेना, उसके ऊपर जाना तो भाई एचपी विक्टर्स 100% रिकमेंडेड है मेरे हिसाब से। एक चीज बताना भूल गया, इसमें आप 2 TB तक भाई स्टोरेज एक्सपैंड कर सकते हो और 32 GB तक आप अपनी रैम एक्सपैंड कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, अगर नहीं करे अभी कमेंट कर दो भाई कि तुम्हें वीडियो बनानी नहीं आती, तुम कोई डाउट नहीं क्लियर करते, कमेंट कर देंगे भाई, कमेंट में आपका रिप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई इंस्टाग्राम है, आराम से भाई DM कर दो मेरे को, ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दिल टू दिल कनेक्शन रहेगा उसका ध्यान रखना, मैं मिलता हूं आपको बहुत ही बढ़िया नई वीडियो में, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, तब तक के लिए बाय बाय।